Nestled between the majestic hills and lush greenery, McLeodganj is a beautiful town situated near Upper Dharamshala. It is famous for being home to the world-renowned Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama. Here, along with the lush greenery and beautiful scenic view, you can even find beautiful monuments which are built in the British era. And before moving further in the video, please subscribe to the channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज हमें मैक्लोडगंज में, व्हिच इज आल्सो नोन एज मिनी ल्हासा ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टिबेटन कल्चर हियर। यहाँ पे मॉन्क्स काफ़ी हैं और टिबेटन कल्चर है जो मतलब उसका मेन इंडिया में जो प्राइम जोन बोला जाता है वो मैक्लोडगंज है। और आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं ट्रैक से, जो हमारी आदत है। जहाँ भी हम हिल्स पे जाते हैं ट्रैक ज़रूर करते हैं। और वो सामने भक्सू वाटरफॉल है और ये पूरे आपको सामने धर्मशाला दिख रहा है। और काफ़ी फेमस, अगर कैमरे से दिख रहा होगा, वो क्रिकेट स्टेडियम है जो कि हमारे इंडिया का काफ़ी सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम बताया जाता है। और चलते हैं, पहले वाटरफॉल से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नीचे एक्सप्लोर करेंगे जगहें। बस गाइस, 2 मिनट दूर और है, पूरा वो वाटरफॉल दिख रहा है। बस चलते हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। Encircled by the enchanting beauty of Dharamshala, Bhaksu Fall is a feast for one's eyes. Being in close vicinity of the popular Bhaksunath temple of Lord Shiva, this waterfall is known as the Bhaksu Falls. Spending a day here is one of the most exciting things to do in McLeodganj. It is not only famous as a picnic spot, but is also a significant place of pilgrimage. The waves move forward across the Bhaksunath temple and reach the peak from where it freely falls with a rustling sound. और दोस्तों, अब हमें भक्सू वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे। यार, ट्रैक था तो बहुत ज़्यादा टायरिंग, बट इट्स वर्थ इट कि इतना सुंदर वाटरफॉल है। और ट्रैक बहुत टायरिंग था, बीच में तो लग रहा था कि छोड़ देते हैं ट्रैक, बट ब्यूटी इतनी है यहाँ पर कि आपका मन करेगा कि नहीं यार, चलो थोड़ा और चल लेते हैं। एंड व्हेन यू रीच टू द वाटरफॉल, वी बी लाइक सैटिस्फाइड कि हाँ यार, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। एंड डोंट वरी, अलोंग द वे जब आप वाटरफॉल की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे कैफेज और छोटी छोटी शॉप्स ज़रूर मिलेंगी। वहाँ पर आप मैगी, जो ऑफकोर्स हिल्स की फेमस होती है, और मोमोज इंजॉय कर सकते हैं। इस मार्केट पहुंच गए नीचे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। गाइस, जो आप ये मेरे पीछे वाटर सोर्स देख रहे हैं, ये सारा सल्फर रिच वाटर है। और आप देखेंगे सारे लोग यहाँ पे बात ले रहे हैं, और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पानी है, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ काफ़ी हाई हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए, यहाँ से आ रहा है, काफ़ी गर्म होता है यहाँ पे, यहाँ आके थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाता है यहाँ पे, और फिर वहाँ जाके इतना मतलब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है कि आप बात ले सकते हैं। और यूजुअली यहाँ पे सारे मॉन्क्स और जो भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे बात लेना प्रेफर करते हैं। और वापस आते हुए आपको यहाँ पर शॉपिंग स्ट्रीट मिलेगी, जहाँ से आप सुवेनियर्स ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और सामने ही आपको भक्सुनाथ जी का टेंपल दिख रहा है, जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। भक्सुनाथ टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन स्क्वायर है, जो मैक्लोडगंज का मेन हब भी है। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल होटल्स और ईटिंग जॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप कई तरीके की टिबेटन डिशेस और नॉर्थ इंडियन डिशेस इंजॉय कर सकते हैं।
और मेन स्क्वायर से जब आप लेफ्ट लेंगे तो आप टिबेटन मार्केट एंटर करेंगे, जहां पर आप टिबेटन मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं, टिबेटन कल्चर एंजॉय कर सकते हैं, एंड यू कैन बाय वेरियस टिबेटन क्लोथ्स, आर्टिफैक्ट्स और टिबेट से रिलेटेड फेमस चीजें। यहाँ पर हम बुद्धिस्ट टेम्पल क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे मोमोज वाले हैं, तो हमने भी सोचा कि व्हाई शुड वी नॉट ट्राई द मोमोज हियर। Heard a lot about the car, so I thought let's try it. It is like soup and noodles mixed together, and just like momos, it is also very famous in Tibetan culture. The Church of St. John in the wilderness is an old church situated in the beautiful valley of McLeodganj. The church is known to attract a lot of tourists. On the outside, the Belgian stained glass windows are the main attractions of the church, while on the inside, the polished wood of the altar railing are the attractions. गाइज यहाँ सेंट जॉन्स चर्च आए थे, बट ये 5 बजे बंद हो जाता है तो अंदर तो नहीं जा पाए। और काफ़ी सुंदर चर्च है, पूरा ये पाइन ट्रीज है और उसके बीच में ये है। बस अब यहाँ से ऑटो लेते हैं और वापस मैक्लोडगंज मेन मार्केट की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।